आशास किचन। बहुत दिन से नूडल्स खाने का मन था बच्चों का, लेकिन घर में नूडल्स नहीं थी। सारा सामान था पर नूडल्स नहीं थी। मैंने सोचा चलिए बना ही देते हैं नूडल्स। तो ये मेरे पास रोटियां बची हुई थी, कुछ घी लगी की रोटी हैं, कुछ सादी रोटी हैं। तो ये 5 रोटी हैं, तो मैं कुछ रोटी अलग कर देती हूँ, एक रोटी अलग कर देती हूँ, 4 रोटी का हम नूडल्स बनाएंगे। ये घर के चीज़ों से नूडल्स बन रही हैं, बहुत हेल्दी भी होंगी और टेस्टी भी बहुत लगेंगे। तो इन रोटियों को हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कर दिया, अब इनको इस तरह से पकड़ते हैं और चाहे हम चाकू से इस तरह से काट देते हैं, पतले पतले स्लाइसेस कर देते हैं इनके, या फिर आपके पास कैंची हो तो कैंची से भी काट सकते हैं। तो सारी रोटियां हम इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए सारी रोटियां मैंने काट लिया है, ये पतले पतले स्लाइसेस में काटे हैं मैंने और चाकू से काटे हैं। तो इनको एक साइड में रखते हैं और चलते हैं अपनी गैस की तरफ। इधर मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है, गैस को जला देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। मैं सरसों के तेल में बना रहे हैं हम, आप जिस तेल में बनाती हो वो तेल आप डाल सकते हैं। तो तेल को गर्म होने देते हैं पहले। तेल गर्म हो चुका है, हीट आ रही है बढ़िया सी। तेल को मैंने चारों तरफ फैला दिया है ताकि हमारी सब्जियां जो डालें वो चपके नहीं। तो सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ये 2 प्याज हैं। और सारी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है, केवल ट्रांसपेरेंट करना है, सब्जियों का क्रंचीपन दूर ना हो। और इसी में हम ये गाजर डाल देते हैं। ये मैंने गाजर लिया है, इसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। तो ये गाजर थोड़ा सा या तो कद्दूकस से कसते तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। इसी में ये हरी मिर्च डाल लेते हैं। ये 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, बारीक काट लिया है। गाजर हमारे हल्की सी पक चुकी है, तो अब हम शिमला डाल देते हैं। ये मैंने शिमला लिया है एक, इसको हमने पतला पतला काट लिया है। और इसी में अब हम ये पत्ता गोभी डालते हैं, इसको भी मैंने लंबे लंबे भी काट लिया है। और इनको, इन सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे हल्का सा पकाना है बस। अब इसमें हम डालते हैं नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इनको मिक्स कर देंगे बढ़िया से। थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं इसमें। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालते हैं सोया सॉस, इसे मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली सॉस है, ये डाल देते हैं 1 चम्मच। और अब डालेंगे टमाटो केचप, ये भर के हम 2-3 चम्मच डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे बढ़िया से। विनेगर डाल देते हैं। सारी चीज़ें हमारी चली गई हैं अब इसमें। अब डालते हैं अपनी ये बची हुई रोटी जो मैंने काट के रखी है, ये सारी डाल देते हैं। और इनको अब हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। बन के तैयार हो गए हैं नूडल्स। हम गैस को बंद करते हैं और इनको निकालते हैं एक प्लेट में। ये देखिए मेरी कितनी बढ़िया नूडल्स बन के तैयार हो गई हैं। बाहर की नूडल्स खाने से अच्छा है हम घर पे बना के खाएं, हेल्दी भी टेस्टी भी। तो ये लीजिए हमारे बची हुई रोटियों की नूडल्स बन के तैयार हो गए। हमें रोटी फेंकनी भी नहीं पड़ी और हमारी रोटियाँ यूज़ भी हो गई और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार बना के तो खिलाना अपने बच्चों को, देखना बच्चे वाह वाह करेंगे आपकी। तो कैसी लगी हमारी बची हुई रोटी की नूडल्स?
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।